क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर रिलेशन तो है लेकिन मैरिज कमिटमेंट नहीं है, या फिर मैरिज कमिटमेंट तो है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, टॉक्सिक और एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला हो गया है, आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक इंटरकास्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो ये वीडियो साइन है आपके लिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होकर कुछ भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस ऐसे होते हैं। आज की जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी, मतलब काफ़ी एक और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड होगी कि सामने वाले लोग एक्चुअल में कमिटमेंट क्यों नहीं देते। मैं सक्सेस स्टोरी पे आती हूँ। इस सक्सेस स्टोरी को मैंने टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सअप चैनल पर और कम्युनिटी टैब पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, और इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और कुछ चीज़ें भी मुझे आपको समझानी है। दूसरे की सक्सेस को देखकर पहली बात लैक फील करना बंद कर दो, मतलब व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। अगर आप किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट करोगे ना, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। सक्सेस स्टोरीज को सुनकर इग्नोर कर देना, ब्लेसिंग्स ना देना, आप एक वाइब्रेशन भेजते हो इस यूनिवर्स में कि मुझे ये सक्सेस वगैरह पसंद नहीं है, मैनिफेस्टेशन मुझे पसंद नहीं है। तो सक्सेस स्टोरी कुछ यूँ है। हाई दी, हाउ आर यू? माही दी, मेरा मैनिफेस्टेशन कम्प्लीट हो गया है और मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 5 साल बाद ये चीज़ हुई है। 5 साल तक ये लड़की सिर्फ कमिटमेंट के लिए कहती रही है, कमिटमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आती रही हैं, तो इसलिए इनको ये एक ड्रीम से कम तो नहीं लगेगा ना। दी, मैं आपकी इवनिंग वर्कशॉप में थी, यस, वो कल ही एंड हुई है, और फिर मॉर्निंग में भी ज्वाइन की। दी, मैं इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हूँ, पिछले 5 साल से ना पार्टनर कमिटमेंट देता था और ना ही कोई खास इंपॉर्टेंस। दी, आपने रियलाइज़ करवाया कि हम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दी, हीलिंग ने जैसे जान डाल दी थी मेरे अंदर। दी, कल जब हमारी वर्कशॉप एंड हुई तो रात को मैजिक हो गया, उसने मुझे कमिटमेंट दी। देखो, यहाँ पर एक बात अगर आप नोटिस करोगे कि दी, आपने हमें रियलाइज़ कराया कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा लड़कियों से एक ही बात कहती हूँ कि सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ रहने में, और हमें ही मैरिज क्यों मैनिफेस्ट करनी है, हमें ही कमिटमेंट क्यों मैनिफेस्ट करनी है। ये आप उनके पीछे एक नीड वाली वाइब्रेशन के साथ जब तक भागोगे, चेस करोगे, उनसे बार बार लड़ोगे ना इस चीज़ के लिए, तब तक सामने वाला जो है आपको फोर ग्रांटेड लेता रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एनर्जी बहुत लैक वाली होगी, नीड वाली होगी, दैट्स वाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। दी, उसने पहले अपने पेरेंट्स को मनाया था, इसलिए उसको टाइम लगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी सक्सेस स्टोरी में। उसने कहा कि मैं तुमको खाली दिलासा नहीं देना चाहता था, और दी, उसके पेरेंट्स ने अग्री किया है। मतलब यहाँ पर मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, आपको भी मैं ये चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर सामने वाला इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है या कुछ भी है, तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहा हो, या अपने पेरेंट्स से बात की हो, उन्होंने उनको बिल्कुल ही नेगेटिव रिस्पांस मिला हो, या कुछ भी हो सकता है। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, अपने घर को, इन्वायरमेंट को देखकर इंसान डरा हुआ होता है, परेशान होता है, सोचता है कि ये लोग कैसे मानेंगे या क्यों। लेकिन मैं एक चीज़ तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हो ना, तो आप किसी से पूछ के नहीं जाते, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए स्टैंड लेने की, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में फिर एक चीज़ बोल दी जाती है, लाइक मतलब फैमिली, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी स्टोरी में, और उसके पेरेंट्स ने अग्री किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस इंसान ने 5 साल से कभी कमिटमेंट नहीं किया, कि क्योंकि उनको लगता था पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और हम सबको ऐसा ही लगता है, तो हम कोशिश करना भी ज़रूरी नहीं समझते, और तभी कमिटमेंट की उसने दी। मानो जैसे मैं सपना देख रही हूँ, सो स्वीट। दी, मॉर्निंग प्रैक्टिस में वाकई जादू, और फिर इवनिंग वर्कशॉप में आपकी बातें इतना मोटिवेट करती हैं। दी, मैं बस आपको कैसे थैंक्स कहूँ, नहीं पता, आपकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई हो ऐसा लग रहा है, और रिलेशनशिप बहुत 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 ज़्यादा चेंज हुआ है। आप कहते हो एनर्जी बदलती है तो लोग बदलती है तो लोग दी मेरा सेल्फ लोग बदल जाते हैं, शायद ये लिखने की कोशिश की है। मेरा सेल्फ लव बढ़ता गया, उसे मेरी वैल्यू समझ आई, और ये सब हुआ। दी, मेरे पेरेंट्स भी मानेंगे, वो ये ज़्यादा ये सब नहीं मानते, लड़की की साइड से इतना कोई इशू है नहीं। और जी, जिस दिन भी रोका या कुछ भी हुआ, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, लव यू सो मच एंड लव यू टू एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर एक तो मैसेज ये है कि पेरेंट्स अंतर्यामी नहीं है, आप पहले से मन में सोच के बैठ जाते हो कि वो नहीं मानेंगे, बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ डरे हुए होते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि अगर सामने वाले को टाइम लग रहा है, तो मे बी वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो, अपने घर पे लोग इन्वायरमेंट को देख के थोड़ा टाइम लग रहा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरा सेल्फ लव बढ़ता गया और उसको मेरी वैल्यू रियलाइज़ हुई। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब तक आप किसी के पीछे भागते हो,
सामने वाला आपको मुड़कर भी नहीं देखेगा। और सेल्फ लव और जो मेरी हीलिंग्स हैं वो आपको अपने आप में इनफ कर देती हैं, कंप्लीट कर देती हैं, और आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहना शुरू कर देते हो, तो सामने वाले लोगों की एकदम से आपके लिए जो सोच है, जो आपकी वैल्यू है, वो टोटली चेंज हो जाती है। तो इन्होंने जैसे कि, हाँ आपको ये चीज़ भी मैं बता दूँ कि सेल्फ लव सीरीज को देखकर तो मुझे ये जरूर रियलाइज हुआ है कि अब यहाँ पर आप कुछ भी समझ सकते हो कि मैं तो खैर उसको 21 डेज कंप्लीट करने वाली हूँ। जो लोग 20% जो लोग शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, बाकी तो सबने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा, मॉर्निंग प्रैक्टिस में वाकई जादू है, क्योंकि मॉर्निंग प्रैक्टिस में हम ग्रेटिट्यूड, हीलिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आज तक कोई फेल हुआ ही नहीं है और ना कोई हो सकता है। तो ये फिर से स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर से, जो है कि सेम रहेगी जैसे लास्ट टाइम थी, कोई वही सेम प्राइस, वही टाइमिंग, सब कुछ वही। और इवनिंग जो है ना, अगर आप बैच ज्वाइन करते हो 30 डेज वाला मैनिफेस्टेशन बैच, तो उसमें मॉर्निंग वर्कशॉप आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो मैनिफेस्टेशन बैच होगा उसमें मॉर्निंग प्रैक्टिस प्लस में इवनिंग क्लास मिलेगी। अगर आप खाली मॉर्निंग वर्कशॉप ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को बदल देती है यार, उसकी एनर्जी अलग होती है। एक इंसान सुबह सुबह अपनी लाइफ को बदलने के लिए उठ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चल रहा है, तो कैसे जिंदगी नहीं बदलेगी। इसके अलावा जो है हीलिंग्स में बेसिकली फॉरगिवनेस होती है, और जो है रूट्स की मतलब चक्रास की जो दो हमारे मेन है, रूट एंड हर्ट चक्रा, इनकी होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ हीलिंग पे ही मैं ज्यादा फोकस करवाती हूँ, ये होती है। फिर ग्रेटिट्यूड होता है और चैंटिंग होती है। सो आप जो है ना, मतलब चॉइस इज योर्स, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी सेल्फ लव सीरीज चल रही है, जिसमें मैं डे बाय डे देख रही हूँ आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। बाकी चॉइस इज योर्स, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। और बाकी जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, उनका मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो ये सक्सेस स्टोरी को जितना अप्रिशिएट कर सकते हो करो, सेव करके रख लो, जब भी डिमोटिवेट होना तो ये सक्सेस स्टोरी सुन लेना, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, और सही स्टेप्स लेने की, और एक सही लाइक फ्रिक्वेंसी में रहकर अपने ऊपर काम करने की, दैट्स इट। पता है आपको एक चीज़ समझाती हूँ मैं, ये जो डॉट है ना, ये डॉट मतलब हमारे लिए 1 करोड़ में और 1,000 रुपये में फ़र्क हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए, उस सुप्रीम पावर के लिए ना 1 करोड़ में और 1,000 रुपये में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या 1,000 हो, ये हमारा माइंडसेट मतलब हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि 1,000 बहुत इजीली आ जाएंगे, 1 लाख बड़े इजीली आ जाएंगे, बट 1 करोड़ तो बहुत मुश्किल है। अदरवाइज वहाँ से तो सब कुछ सेम ही होता है। आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को बिलीव करता है, आपका मन कितना ज़्यादा उस चीज़ पर मानता है, ये डिपेंड करता है। वैसे ही ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉसिबल लग रही होती हैं, हमें लग रहा होता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। सो आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। पिन कमेंट को चेक किया करो हमेशा, जो सबसे ऊपर वाला कमेंट होता है वही पिन कमेंट होता है, उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, इसलिए मैं बता देती हूँ, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज 24 सितंबर है या 23rd है, 24th है, हाँ। तो जो है हमारा 6 डेज में हमारा न्यू वर्कशॉप और बैच स्टार्ट होने वाला है। सो आपका बहुत बहुत वेलकम है, और बाकी ऑप्शंस आपके पास दोनों हैं, जो आप चूज करो, लेकिन आपको बस जिंदगी बदलनी है, आपको अपनी जिंदगी को बदलने पर पूरा फोकस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।